नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी की वीडियो लाते हैं दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही जानकारी की वीडियो के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों किसी को भूख न लगती हो, किसी को शरीर में दिक्कत रहती हो, भूख परेशानी होती हो, भूख न लगती हो, तो दोस्तों उसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों आज हम। कि दोस्तों ये देखो मुकैया बोलते हैं इसको, ये देखो मुकैया के ये देखो फल से हैं जो अभी तो थोड़े पीले पीले पड़ रहे हैं, ये देखो जनवरी और फरवरी के बीच में पक जाते हैं दोस्तों। तो क्या करना है दोस्तों कि इनको ले लेना है आपको, ये इसके जो फल हैं दोस्तों इनको ले लेना है और लेने के बाद घर ले आना है। जब ये पक जाएं, काले काले से पड़ जाते हैं दोस्तों पकने के बाद, और जब ये पक जाएं दोस्तों तो अपने घर ले आना है इनको। और घर लाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि ये जब पक जाएं तो इनको घर लेकर आने के बाद चार पांच तो सुबह खाने हैं दोस्तों और चार पांच ही शाम को खाने हैं। रोटी खाने के बाद खा लेना या खाली पेट खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही आपको खाने पड़ेंगे ये तीन से चार दिन दोस्तों, तीन से चार दिन दोस्तों खाएंगे आप ये पके पके खाना दोस्तों, कच्चे अच्छे नहीं लगते। और तीन से चार दिन दोस्तों आप खाओगे तो देखोगे आपके जो पेट में दिक्कत रहती हो, भूख न लगती हो, भूख लगने लगेगी दोस्तों आपको। देखो इसके ये देखो ऐसे ही है, कारी सारी ऐसे ही पक जाती है दोस्तों, इसको देख ले लो। हाँ ऐसे ही खा लेना दोस्तों, तीन या चार दिन खा लेना। देखो दोस्तों तीन चार दिन खाने के बाद आपकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, भूख लगने लगेगी दोस्तों और कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी ही जानकारी की वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।